भाई हमारा तुम्बा, ये जा रहा है तुम्बा भैया गड्ढे के अंदर। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप लोग? आज क्वेटा में हमारा आखिरी दिन है और आप लोग समझ रहे होंगे कि बकरीद का माहौल आ गया और मैं मवेशी मंडी आया हुआ हूँ। तो भाई मैं मवेशी मंडी तो आया हुआ हूँ, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं खड्डी कबाब के लिए, जो कि स्पेशली क्वेटा की, बलूचिस्तान की स्पेशल डिश है। और जब तक वो ना टेस्ट कर लें, वो ना बनवा लें, जब तक हमारा ट्रिप कैसे मुकम्मल हो सकता है? अब्दुल बासित भी हमारे साथ हैं और अहमद भाई जो है वो भी हमारे साथ हैं, क्योंकि इतना बड़ा दुम्बा जो है अकेला मैं तो खा नहीं सकता, और भी लोग हम इनवाइट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पहले यहाँ से अभी हम ये लेंगे दुम्बा या बकरा लेंगे, उसके बाद खड्डी कबाब पर जाके उसको खड्डे पर कराएँगे, और उसके बाद फिर हम जाएँगे मरियाबाद, वहाँ पर हमारी हज़ारा कम्यूनिटी आबाद है, देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या वहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर ये जो खड्डी कबाब तैयार हो जाएगा 4-5 घंटे के बाद, उसको एक खूबसूरत सी लोकेशन पे जाके टेस्ट करेंगे। तो फिर चलें चलें। हाँ भाई, पहुंच गए हम मंडी। बकरीद का माहौल बना हुआ है यहाँ पे, तो दुम्बे भी हैं, बकरे भी हैं, उस तरफ जो है वो दूसरे जो मवेशी भी हैं, और ज़बरदस्त माहौल बन गया है यहाँ पे। चेक करते हैं अपना दुम्बा हमारा कैसा होता है। ये हो रही है भाई, जरा यहाँ पे भावता हो रहा है। ये शेब हमारे जो साथ हैं उनके जानने वाले हैं वो, और वो जरा कोई अच्छा सा दुम्बा हमारे लिए देख रहे हैं। मेहमान का थोड़ा ख्याल कर रहे हैं, हमें खड्डी कबाब बनाना है, खड्डी कबाब के लिए ले रहे हैं। और देखो तो 30 लाख का किलो ना है, 30 लाख का मार्केट में ऊपर पकड़ा गया है। मेहमान बन रहे हैं वाशिंग। पूरी नहीं भाई, पूरी पूरी ना वाड़ो, फाइनल 15 कर लो, 15 का बजट है हमारा। कम नहीं दे, पूरा ही वाड़ो, 17000 से कम नहीं दे। ये आ गया भाई हमारा तुम्बा, प्यारा सा तुम्बा। काफी सारी निगोसिएशंस के बाद जो है ना वो हमने ये दुम्बा लिया है। पहला जो था ना वो दुम्बा बड़ा था थोड़ा सा, वो ज़्यादा 20,000 रुपये का था, इतना बड़ा हमें चाहिए भी नहीं है, हमें छोटा ही दुम्बा चाहिए था। और छोटा दुम्बा जो या बकरा जो होता है ना, उसका गोश्त भी ज़्यादा जायकेदार होता है। तो ये 16,000 का है, 8-9 किलो का दुम्बा होगा ये छोटा, और ज़िबा भी हो गया है, अब खाल वाल उतरेगी और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे। चाय आ गई है भाई यहाँ पे, कावा यहाँ पे। ये मंडी जो है ना, ये यहीं पर ये मंडी है, और यहीं पर ये गोश्त वगैरह सारा बन जाता है हाथ के हाथ। सुलेमानी चाय आई है, सुलेमानी चाय, सुलेमानी मतलब बगैर दूध वाली। ये उतर गए भाई खाल, पूरा का पूरा डुम्बा थैली में आ गया भैया ये तो। अरे भाई वाह, पूरा डुम्बा थैली में आ गया, पूरा का पूरा डुम्बा जो है भैया ये आ गया है, पैक हो गया ये थैली के अंदर। ये कितने किलो बना? 10 किलो। 10 किलो, 10 किलो तो अच्छा निकला है, हैं? सही निकला है भाई 10 किलो। ये गया भैया डिग्गी में, ये आ गया हमारा दुम्बा। कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक। ये एक बकरा यहाँ पे ऑलरेडी, बकरा ये दुम्बा है ये भी, एक दुम्बा यहाँ पे मसाला लगा हुआ रखा है ऑलरेडी, और ये है भाई हमारा वाला दुम्बा। और यहाँ पे आप ये देखें, ये पूरा सीन होता है खड्डी कबाब का, ये खड्डे बने हुए हैं
ये गारा बना हुआ है जिससे इसको सील किया जाता है, और अब इसके अंदर मसाला लगाने का सीन होगा। क्या नाम है भाईजान आपका? तालिब उस्ताद। तालिब उस्ताद जी। ओहो, तालिब उस्ताद कार्रवाई कर रहे हैं दुम्बे की। भाई ये इसमें कट्स लगाए जाते हैं। अफगान ठंडी कबाब के ऊपर हम आए। असल में दुम्बे के अंदर जो है ना चर्बी थोड़ी ज़्यादा होती है बकरे के मुकाबले में, इसलिए हमने दुम्बा छोटा जानवर ले रहा था, इसलिए हमने दुम्बा ही ले लिया। ये अंदर तक जाता है मसाला इस तरह। और ये भी हर कोई नहीं कर सकता, ये आर्ट है भाई। हर कोई नहीं लगा सकता इस तरह। नहीं, नहीं, कोई नहीं कर सकता है, हमारा 22 साल से ये काम। 22 साल का तजुर्बा है भाई ये। ऐसे ही नहीं होता ये काम। तो तालिब भाई आप 22 साल से इधर ही हैं? मैं पहले अखत बाजार में था। अच्छा, फिर शौकशार में था। अच्छा अच्छा, फिर अभी इधर आया था। अरे वाह, तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लगेगा? बस लगेगा ढाई घंटे, तीन घंटे। ढाई तीन में हो जाएगा जी? अच्छा, एक डेढ़ बजे तक हो जाएगा। हमने सुना था कि चार घंटे लगेंगे। डेढ़ बजे तक हो जाएगा। डेढ़ बजे तक तैयार? दोपहर का खाने का कट्स लगते हैं जब तक मसाला जो है ना वो मैरिनेट होता है अंदर सही से। ये भी जो है कितना गहरा लगाना है, कितनी जगहों पर लगाना है, कितनी स्पेस दे के लगाना है, कितना गहरा लगाना है, ये कट्स जो है ना असल काम अभी होते हैं। अच्छा, ये नमक आया था। अभी देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे ये सारा प्रोसेस, तो खाने में कितना मजा आएगा। ये रखा हुआ है यहाँ पे सीक्रेट मसाला, ये इनका सीक्रेट मसाला होता है जो कि ऑलरेडी तैयार हुआ हुआ होता है। अच्छा, ये हाथ इस तरह से बस करके लगाते हैं। ये मसाले की रेसिपी आप लोगों की अपनी होती है? ये अपना होती है। ये सीक्रेट है, ये बताने का नहीं होता ना? ये बताने का नहीं होता है, सिर्फ कहने का, जो मकसद। सही बात है, हर कोई बना भी नहीं सकता। अगर हाथ हाथ के जायके भी की भी बात होती है ना, आज आप जो हाथ जो आपके हाथ में जायका होगा भले किसी के पास तरकीब आ भी जाए वो बना नहीं सकता इस तरह। नहीं नहीं नहीं, कोई बना नहीं सकता। मैं भी अपने हाथ से लगाऊंगा ना वो जायका नहीं आएगा जो आपके हाथ से आएगा। बड़ा बड़ा होटल जो है वो हमारे से लेता है, उधर नाम अपना देता है, बोलता है हम लोग का। खुद नहीं बना सकते, ये तो तालिब हुसैन का हाथ है ना, जायका असल इसमें। इधर हम लोग से लेता है वो, उधर ज्यादा पैसा और लेता है वो। हाँ, सही बात है। हम लोग अगर 20,000 लेता तो वो 25 लेते हैं। सही बात है। ये जो साउंड आ रही है ना गोश्त की और चर्बी की और इसके ऊपर जो मसाला लगाया जा रहा है, ये सुने आप खाली। ये मसाला लग गया, अब इसको चावल भर के, चावल भर के रस्सी बांध देंगे। ऐसे सिलाई करेंगे। चलो भाई, जबरदस्त प्रोसेस है यार ये। तालिब भाई ये जो आग है ये कितनी देर पहले जला देते हैं, इसको क्या करते हैं? तो आधा घंटा घंटा पहले जलाएगा, आधा घंटा ताकि पूरा सही से पक जाए, वो मतलब गर्म हो जाए, पूरा गर्म हो जाएगा। अच्छा, ये अलाव इसके अंदर जला दिया जाता है भाई। अच्छा, ये तालिब भाई थोड़ी देर मसाला लगा रहने देंगे फिर उसके बाद सिलाई करेंगे। जो है जब वक्ती लाए जितना मसाला में ज़्यादा छोड़ देता है उसका जायका अच्छा होता है। हाँ, सही बात, सही बात। अच्छा, ये लकड़ियों इस तरह से काटी जाती हैं दोस्त से। ये हो गए दो टुकड़े। ये भाई अफगान खड्डी कबाब, यहाँ पे ये सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, उधर जो है ना वो ये खड्डे बने हुए हैं, इधर साइड में इसके गारा रखा हुआ है जिससे इन खड्डों को सील किया जाता है, और यहाँ पे भी ये लकड़ियाँ रखी हुई हैं जो भाई अभी काट रहे थे ताकि वो इन खड्डों के हिसाब से इनमें डाली जाएँ। और इस रूम के अंदर जो है ना वो होता है सारा प्रोसेस, ये लैब है खड्डी कबाब की। अच्छा भैया, सिलाई शुरू हो रही है अब, तालिब उस्ताद कर रहे हैं इसकी सिलाई।
अच्छा चावल डाल दिए अंदर आ, यार उसका भी शॉट लेना था ना वो उसके अच्छा उसका शॉट नहीं ले सकते मसाला लगा के भाई अभी दरवाजा बंद हो गया था और चावल चले गए अंदर और वो जरा इसका शॉट नहीं ले सकते चलो भाई सही है अच्छा भाई सही है खैर हर हर सीक्रेट होती हैं ये चीज़ें और ज़बरदस्त सिलाई हो रही है ये हो गया भाई रेडी ये हो गया भाई रेडी और अब ये जाएगा खड्डे के अंदर ओहो निकाल ही जा रहे ये निकाल दिया क्यों ज्यादा हो गया आग अच्छा ये भी एक टेक्निकल काम है भाई ये भी एक टेक्निकल चीज़ है कि आग आपने कितनी रखनी है इसके अंदर पहले इन्होंने ये लकड़ियाँ डाली हुई थी अब ये कोयले बन गए तो अब ये तालिब उस्ताद ने बोला कि आग ज़्यादा हो गया है तो जलने का ख़तरा हो सकता है इसलिए इसको कम करो भाई मैं पीछे हो जाऊँ अच्छा यहाँ डाल लें ये दम के लिए ये आ गया भाई ये तालिब उस्ताद के साथ तालिब उस्ताद एक हाथ से आप पकड़ो बहुत भारी है इधर देखो इधर देखिए उधर देखिए चलो ये जा रहा है दुम्बा भैया खड्डे के अंदर और ये इसके ऊपर इन्होंने कोयला ऑलरेडी रख दिया था ये हो गया बंद अब इसको कर देंगे सील ठीक है ये क्या होता है ये किस चीज़ का होता है मिट्टी मिट्टी होती है पूरा अच्छे तरीके से जो है ना वो इसको लेवल कर दिया गया है कि कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है कि ज़रा सी भी जो है हीट इसमें से बाहर निकल सके प्लेन कर दिया है बिल्कुल 2-3 घंटों से भी गया है वो छोटा सा भी खोल जो है ना वो नहीं छोड़ा गया है तालिब भाई रेडी हो गया ये अब ये 3.5 कितना 2-3 घंटा 2-3 घंटा जब नरम ब्रश होता है 2 घंटे में बराबर होता है अच्छा ज़्यादा सख्त होता है 2-3 घंटा होता है सही जब हम आएंगे जब ही निकालेंगे ना हाँ जब आए जाएंगे 1:30 बजे आ चले इंशाल्लाह 1:30-2 तक आते हैं थैंक यू बहुत शुक्रिया मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक है अब हम जा रहे हैं भाई मरियाबाद क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पकेगा अभी 2.5-3 घंटे तक मरियाबाद में हम जाएंगे और वहाँ पे ज़रा घूमेंगे फिरेंगे और मरियाबाद की जो स्पेशल डिश है वो ट्राई करेंगे चले जी तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई मरियाबाद के अंदर और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पूरी पहाड़ के ऊपर जो है ना वो घर बने हुए हैं यहाँ से ऊपर जाते हैं और फिर पहाड़ के ऊपर जब जाते हैं तो कोयटा का पूरे कोयटा का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है और 1 घंटे की तकरीबन हाइकिंग है 1 घंटे की हाइकिंग है वो हम करते हैं अगर हमारे पास टाइम होता लेकिन हमने अपना खड्डी कबाब बनने के लिए दिया हुआ है बिल्कुल तो कभी और वो करेंगे हाइकिंग लेकिन हम ज़रा ट्रेडिशनल डिशेस ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि जो मिल जाए तो लेकिन ये बड़ा खूबसूरत है पहाड़ के ऊपर बड़े अच्छे ज़बरदस्त से घर बने हुए हैं कटाई कर करके और एक अलग पूरी जो है ना वो वाइब है इस इलाके की बहुत खूबसूरत किस तरह बनता है ये कोचा कोचा असल में ये होता है जर्गियों की एक डिश है जो नाश्ते में मोस्ट पॉपुलर लोग ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है इसमें आपको चावल भी मिल जाएंगे तो चावल ही गंदम मिल जाएंगे और इसके साथ छोले मिल जाएंगे और जो दाल माल है उनको उसको मिक्स करके मतलब उनका वो बना के फिर गोश्त भी होता है इसमें गोश्त भी होता है वो रात हलीम टाइप की एक हलीम टाइप की एक चीज़ होती है लेकिन ये ज़रा दिखाना यार छोटा प्याला एक ये हो गया कोचा और इसमें दालें भी नज़र आ रही हैं छोले भी हैं ऊपर इसके जो है वो इन्होंने थोड़ी सी ये ऑयल डाला है रोगन डाला है गोश्त भी इसके अंदर मिलाया हुआ है और हलीम टाइप की डिश लग रही है ये टेस्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोचा
थोड़ा हलीम से मिलता जुलता ही है ये, लेकिन हलीम के अंदर तो घोटा लगता है। इसके अंदर सारी जो चीज़ें हैं ना वो बॉयल हुई हुई हैं, उबली हुई हैं, मतलब वो घोटा लगी हुई नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से गली हुई हैं। हल्का सा गोश्त का इसके अंदर टच भी आ रहा है, यखनी मेरे ख्याल में इसके अंदर डाली गई है, गोश्त तो ऐसा सच नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट है और अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? चावल छोले और छोले। ये क्या है? आलू। हाँ आलू। और ये चावल। और ये चावल। और ये चावल छोले। और ये छोले। अच्छा चावल छोले और आलू उसके ऊपर डाल के देते हैं? ये घी वाला। अच्छा ये घी उसके ऊपर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? हजार की कुल्फी मलाई स्पेशल, हजार की कुल्फी है स्पेशल है ये, इसमें कुछ है। अलग है या ये वैसी वाली कुल्फी है जो होती है नॉर्मल? नहीं इसमें कुछ अलग है। क्या अलग है बताओ? टेस्ट कर लो। हाँ टेस्ट कर लो। कितने कितने वाली है ये? 30-50-70। 30-50-70। चलो ये है भाई स्पेशल हजार की कुल्फी, बहुत लजीज। हाँ जी मरियाबाद से वापस आ गए हैं हम अपने खड्डी कबाब के ऊपर, और अब जो है वो निकलने का टाइम है। ज़रा पूछते हैं ताले भाई से, क्या हाल है भाई जान, रेडी हो गया होगा? अच्छा इसको फॉइल में कर देंगे अभी। अच्छा ठीक। तो ये फॉइल में करने के बाद कितनी देर तक गर्म रहेगा? डेढ़ घंटे के अंदर, दो तक। डेढ़ दो घंटे के अंदर हमें खा लेना चाहिए इसको, वरना फिर ये ठंडा हो जाएगा, है ना? दो घंटे तक तो रहेगा गर्म। और जैसे ही ये मिट्टी हटना शुरू हुई है अंदर से जो है ना वो भाप के साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। ओए होए होए होए, ये नज़र आ रहा है भाई अंदर दुम्बा, क्या ज़बरदस्त। ओए होए, बहुत ही बेहतरीन हो गया है भाई ये चावल जो है ना, वो ये देखें गोश्त के ऊपर से चावल भी नज़र आ रहे हैं और खुशबू ऐसी आला आ रही है, क्या चीज़ अंदर गई थी और क्या बन गई है। एक कागज़ से पकड़ के इसको उठाया जाएगा। अच्छा ये हमारा वाला है? हाँ। अच्छा ये अभी जो हाथ के हाथ टेस्ट करेंगे ना, ये जो अभी गर्मा गर्म इन्होंने दिया है ना, और ये देखिए आप ये समेट दिया गया है इसको पूरा, और चक्की रखी हुई है ये, है ना? हाँ ये चक्की। चक्की थोड़ी सी तोड़ूँ? मज़ा आ गया, पैक कर दे मैं, ठंडा हो जाएगा। बजट ये आ गया पूरा थैले के अंदर। अभी तो हमने एक बोटी टेस्ट की है चावल के साथ, माहौल बना के इसको खाएंगे, मज़ा आया। हाँ भाई अब हम जा रहे हैं वली तंगी। वली तंगी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और वहाँ पे बैठ के हम खाएंगे अपना खट्टी कबाब। खट्टी कबाब, और उस जगह पे खाने का जो मज़ा आएगा ना, हाय 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 हाय। भाई माहौल बना हुआ है यहाँ पे। शेपा तुझे पसंद है ये गाने? दुख भरे गाने पसंद है? वो प्यार व्यार हुआ है क्या? है? थोड़ा थोड़ा हुआ है। आए, 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 आए। थोड़ा थोड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। आए, 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 आए। गाड़ी ऊपर पार्क कर दी है, झरना बह रहा है, खूबसूरत मंजर है, वाह यार वाह। आराम से आराम। हाँ हाँ सर। ये भाई सनाउल्लाह भाई, और ये जो चटाई और प्लेट्स और ये जो क्रॉकरी और यहाँ पे हमको लेकर जो आए ना, ये सनाउल्लाह भाई का घर करीब में ही है, शेख भाई के ये रिश्तेदार है, और बहुत ही जज़ाकअल्लाह मेहमान नवाजी का, बहुत शुक्रिया आपने इतना ख्याल किया, ज़बरदस्त। मेहमानों की बहुत इज्जत भी करते हैं और उसकी खिदमत भी करते हैं। सही बात है।
ये बड़ा अच्छी जगह पे आए हम भाई, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और ये जो पानी का शोर आ रहा है ना, बहुत ही सूदिंग। चले जी अब हम अपना शुरू करते हैं, जिसके लिए आज हम इतना लंबा सफर करके यहाँ पे आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये नीचे से निकल भी रहा है। और ये चेक करें आप भाई, वासित भाई आप जरा इसके ही। हम थोड़े से काट देते हैं ना फिर इसके बाद। आप जरा इसको काटें, जबरदस्त सीन बन गया है भाई माशाल्लाह। पूरी रस्सियाँ काटी है, देखें रस्सियों के निशान भी बन गए इसके ऊपर। और यहाँ पे हवा चल रही है ठंडी, तो ये है आप ये देखें, ये है चक्की। सनाउल्लाह भाई बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करो। नहीं नहीं आप भी, आप लोग भी बिस्मिल्लाह करें ना। ये बीच में से कटेगा तो फिर ये निकलेगा चावल। हाँ क्या खुशबू आई है भाई। ओहो बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, जबरदस्त भाई बिस्मिल्लाह करता हूँ मैं भी माशाल्लाह। ये जो है ना, ये है चक्की। अब चक्की के साथ थोड़ा सा पहले हम गोश्त लेंगे। ये गोश्त है और बीच में इसके चक्की। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंतहाई ज़बरदस्त जायका, चक्की और गोश्त अच्छी तरीके से, उसमें मसाला जो उन्होंने लगाया है ना, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बड़ा मज़ेदार सा है। दुम्बे की अंदर जो है ना, वो एक जो उसकी फैट होती है, उसकी वजह से उसका अपना बड़ा ज़बरदस्त जायका होता है। और जब ये पानी का शोर आ रहा हो और ऐसा माहौल हो, और तो भाई ट्रेडिशनल खाने का मज़ा ही कुछ और, जगह ही यही है असल में। इतना नरम और मुलायम गला हुआ गोश्त है बासित भाई, मेहनत के बाद ही बने हैं। ढाई घंटे तीन घंटे तक ये दम के ऊपर लगता है, तो बिल्कुल अंदर तक हड्डी तक जो है ना वो गल जाती है। बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि भाई ये खड्डी कबाब जो है वो क्वेटा जाके इसको ट्राई किया जाए। कराची के अंदर भी रेस्टोरेंट बनाते हैं, लेकिन वो बात नहीं होगी जो ये बात है ना, वो बात नहीं हो सकती। हर इलाके का अपना टेस्ट होता है, हर एक के हाथ में एक अलग बात होती है। मिट्टी का की खुशबू और मिट्टी का जो जायका होता है ना, वो खानों के अंदर आता है, तो हर जगह वो बात आ नहीं सकती। बहुत ही बेहतरीन यार। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऊपर जो है ना, वो पकने की वजह से थोड़ा सा ये टेक्सचर जो है ये हार्ड है। ये देखिए आप, गोश्त सख्त महसूस होता है, लेकिन अंदर जो है वो इंतहाई जूसी लेयर है। तो पूरे लेयर्स बनी हुई है। ये बादाम, काजू, किशमिश, ये सब इन चावलों में पड़ी हुई है भाई। अखरोट, अखरोट भी है ये देखो। अरे वाह, सारे ड्राई फ्रूट। बहुत हैवी डिश होती है ये, और स्पेशली सर्दियों का ख़ास तौर पर ये आइटम है। सर्दियों में जो है ना, वो इस तरह के खाने खाते हैं आप, तो आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है बॉडी का। भाई अभी ये दुम्बा जो है ना, ये हमसे पूरा नहीं खाया जा रहा है। यहाँ पे जो दो लोग बैठे थे वो तो उड़ गए, और वहाँ पे आप वो देखें कि और दुम्बे आ गए हमारे 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 लिए। उन्होंने बोला भाई और दुम्बे आ गए। ये होती है मेहमान नवाजी। भाई इसको हम वापस फॉइल में पैक कर रहे हैं, ताकि इसको अभी हम ले जा के फ्रिज में रख दें और बाद में मज़े लेके खाएं। जी तो आज क्वेटा बलूचिस्तान में था हमारा आखिरी दिन, और बहुत ही मज़ा आया ये पूरा जो खड्डी कबाब का एक्सपीरियंस था ये करके। उम्मीद है कि आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो पूरी क्वेटा की सीरीज़ थी, मुझे बड़ा ही मज़ा आया करके, और कुछ नई नई चीज़ें भी देखी, नई नई चीज़ें टेस्ट भी ट्राई किए। स्पेशली मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे दोस्त अब्दुल बासित, जिन्होंने हमारी पूरी रहनुमाई की, हमारी मेहमान नवाजी की, हमें गाइड किया, अपना टाइम दिया। सर बस हमें बहुत खुशी हुई कि आप बलोचिस्तान आए, स्पेशली क्वेटा, क्वेटा का फूड एक्सप्लोर किया, जिस पर हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नेशनल रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी, तो हमें खुशी भी है कि आपको होस्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। बस थैंक यू, थैंक यू भाई। बलोचिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, और अब्दुल बासित उसकी मिसाल आप हैं। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।